अब नौबत यहाँ तक आ गई है तो बांध भी लोगे। तुमने मुझसे पहले नीलो को ये रिपोर्ट दिखाई क्यों? मैंने नहीं दिखाई और मैं नीलो को दिखाऊंगा? अरे उस बदतमीज ने मेरे हाथ से छीन ली, मैं तो रोकता रहा उसे। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मोहसिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसको ना इस बदतमीजी की सजा मिलेगी, जैसे मैं तड़प रही हूँ ना वो भी तड़पेगी। अरे 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 अरे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ साइमा। नहीं चाहिए मुझे औलाद, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मेरा क्या कसूर है इस सब में? अरे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो किस्मत के खेल है ना। और तुम्हें बुरा लगता है ना इन लोगों का ताने देना? कोई तुम्हें ताने नहीं देगा और तुम्हें भी किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे मोहसिन। फिर वही बात, अरे निकाल दो अपने दिल से इस खौफ को, क्या हो गया है? मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों रोती हो? और तुम्हें अब किसी डॉक्टर पीर फकीर के पास भी जाने की जरूरत है? अरे दुनिया में हजारों लोग हैं यार जिनकी औलाद नहीं होती, तो क्या करते? सब मर जाते, कैसी तरह से परेशान होते हैं, रोते हैं। सबर शुक्र करो, तुम देखना तुम सबर शुक्र करोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी से ये परेशानी रोना गम सब दूर हो जाएगा, ये एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी, सुकून आ जाएगा जिंदगी में। चलो शामी अब रो, मुस्कुरा दो। अरे वलीद तुम यहाँ, मैं अंदर छोड़ दूँ? नहीं बाबा, मैं खुद आया हूँ उरुसा के साथ। मौसम अच्छा था, अच्छी हवा चल रही है, उरुसा जूस लेने गई। बहुत प्यारी बच्ची है उरुसा, और ये अल्लाह की नेमत है कि उसका साथ है तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस पर बोझ, उसकी सारी परेशानियों का सबब मैं। अरे ऐसा नहीं कहते वली, देखो जो कुछ भी होता है वो कुदरत की तरफ से होता है, मैं और तुम क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ सही कह रहे हैं, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और जो मेरे साथ हुआ है वो शायद मेरी किस्मत में लिखा था। लेकिन बाबा जो कुछ उरुसा के साथ हुआ है वो हमारे हाथ में था, वो जुल्म और ज्यादती हमने की है। सही कह रहे हो, क्या करें इंसान है ना, गलतियां हो जाती हैं। कोशिश करेंगे सारी गलतियों का अजाला करें। चलो तुम एंजॉय करो, मैं जरा एक काम से होकर आता हूँ।